हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का टॉपिक स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपके ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मतलब एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक राइट पर्सन ढूंढना, या यानी जो जॉब है उस जॉब के लिए एक राइट पर्सन जो ढूंढना, और राइट क्वालिफिकेशन के साथ, मतलब जो आपकी जॉब है उस इंडिविजुअल के पास उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, तब आप उसे हायर करेंगे। स्टाफिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में आपको बताती हूँ। माना क्या जाता था पहले, स्टाफिंग का मतलब था सिर्फ जो आपके वैकेंट सीट्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट उनको फिल करना, यानी लोगों को सिर्फ हायर करना। दिस वॉज जस्ट द ट्रेडिशनल कंसेप्ट। बट मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होता है, आपके स्टाफिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे रिक्रूटमेंट, यानी पता लगाना कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और उनको फिर रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना। उनको सेलेक्ट करने के बाद अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, उनको कॉम्पेंसेशन देना, टाइमली प्रमोशन देना, उनको मोटिवेट करना अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, और उनको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। अब मॉडर्न कंसेप्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है आपके स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग अब बहुत बड़ा कंसेप्ट हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग में, यानी स्टाफिंग के आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज फिल द वैकेंट पोजीशंस। सो स्टाफिंग जो होता है उसका फर्स्ट फंक्शन ही यही होता है, सबसे एडवांटेज ही उसकी यही है, उसका मतलब ही यही है कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना, जॉब देना, वैकेंट जो पोजीशंस है ठीक है उनको फिल करना। सो थ्रू स्टाफिंग एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड टू फिल द जॉब पोजीशंस, यानी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, हायर किया जाता है जो पोजीशंस को फिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं अब पॉइंट सेकंड। इसके एडवांटेज है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो जो आपका स्टाफिंग होता है उसका मतलब सिर्फ जॉब देना नहीं होता, सिर्फ जॉब देना नहीं होता है, ना ही ये मतलब होता है कि बस जो है वैकेंट पोजीशंस जो है हमने उनको फिल कर दिया, बल्कि क्या होता है कि जिन लोगों को जॉब दी है वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी जो आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग ही वो पर्सन हो, उसके अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल हो। अब हमें सपोज एक टीचर की रिक्वायरमेंट है जो 11th एंड 12th क्लास को पढ़ाएगा, हम ऐसा नहीं है कि JBT उसने किया हुआ है तो हायर कर लेंगे उसको, ठीक है, उसने BLED किया हुआ है तो उसे हायर कर लेंगे, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी वो राइट पर्सन बनेगा उस राइट जॉब के लिए। सो एम्प्लॉयज आर गिवन जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिया जाता है, उनकी स्किल्स के अंदर अकॉर्डिंग उनको जॉब दिया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी रिलेटिव को जॉब दे दी या कोई आपका नोन पर्सन है उसको जॉब दे दिया, जब तक वो इंसान उस जॉब के लिए फिट नहीं होता है तब तक उसको जॉब नहीं दिया जाता है। तो स्टाफिंग में यही देखा जाता है कि राइट पर्सन को जॉब दी जाए जिसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, उसके पास प्रॉपर स्किल्स हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब स्टाफिंग से लोगों को जॉब देने से एंटरप्राइज की ग्रोथ कैसे रिलेटेड है, इसका तो कुछ समझ नहीं आता है। खैर, ये लोग, ये तो आप भी सोच रहे होंगे कि ग्रो कैसे करेगी एंटरप्राइज लोगों को जॉब देने से। सो मैं आपको बता दूं इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जब आप स्टाफिंग करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने जो है वैकेंसी जो है उसको फिल करना है, आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, राइट पर्सन जो है उसको, राइट पर्सन को जॉब देंगे जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स होगी। सो क्या करेंगे आप, एफिशिएंट स्टाफ जो है उसको आप अपने अंदर जॉब देंगे, अपने फर्म में जॉब देंगे, प्रॉपर उनको मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है, टाइमली प्रमोशन देते रहेंगे,
जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज जो होगा देर बेस्ट एफर्ट्स, दे विल गिव देयर बेस्ट एफर्ट्स, अपना बेस्ट देंगे. अब जब वो अपना बेस्ट देंगे, बहुत अच्छे से एम्प्लॉयज काम करेंगे, सो इट्स ऑब्वियस कि एंटरप्राइज ग्रो करेगी ही करेगी. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम. फोर्थ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ वही वैकेंसी फिल करना नहीं है. आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, यू विल फाइंड द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड. आप देखेंगे आपको कितने नंबर, मतलब कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है. ठीक है, आपको टीचिंग स्टाफ चाहिए या कुछ वर्कर्स चाहिए. ठीक है, मतलब आपको किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए. ठीक है, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज ऑफ पर्सनल. ताकि ओवर मैनिंग यानी आपके फर्म में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज भी ना हो जाएं. ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ पर्सनल यानी एम्प्लॉयज जो है कम भी ना रहे. क्योंकि अगर ओवर मैनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे कि आपकी फर्म में अगर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और आपने 15 जो है लोगों को जॉब दे दिया है, तो जो वो 5 होंगे वो तो खाली बैठे होंगे, कुछ काम ही नहीं करे होंगे, और आप उनको सैलरी तो दे रहे हो, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे. ठीक है, या फिर शॉर्टेज हो गई, 10 की रिक्वायरमेंट थी, आपने सिर्फ 5 को जॉब दिया, तो बाकी जो 5 काम कर रहे हैं उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा और टाइमली जो है काम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो स्टाफिंग इस चीज का भी ध्यान रखती है कि जिन लोगों को हम जॉब दे रहे हैं उनकी वजह से ज्यादा लोगों को जॉब भी ना दें और उनकी शॉर्टेज भी ना हो. नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ते हैं, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस. जो बाकी फंक्शंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड होती है. इफेक्टिवनेस मतलब काम जो है अच्छे से हो जाए, टाइमली हो जाए, ये किस चीज पर डिपेंड होता है, स्टाफिंग फंक्शन पर ही डिपेंड होता है. मैं बताती हूँ कैसे. बिकॉज नो अदर फंक्शन कैन बी कैरीड आउट विदाउट दिस फंक्शन. जब तक फंक्शन ये वाला जो है स्टाफिंग नहीं करोगे, आप स्टाफिंग नहीं करोगे अदर फंक्शन, और कोई फंक्शन कैसे होगा. ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कैसे नहीं होगा. क्योंकि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों को जॉब देते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं. तो एम्प्लॉयज कौन होते हैं, एम्प्लॉयज वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, काम करते हैं. अदर फंक्शंस जो हैं, बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे कौन परफॉर्म करते हैं, आपके एम्प्लॉयज, वो ह्यूमन बीइंग्स. तो जब तक काम करने वाले एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे, तब तक अदर फंक्शंस कैसे होंगे. अदर फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म बाय दीज ह्यूमन बीइंग्स अपॉइंटेड बाय स्टाफिंग. यानी स्टाफिंग में जो लोगों को आपने अपॉइंट किया था वही तो वर्क करेंगे. सो इसलिए लिखा हुआ है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस. यानी अदर फंक्शंस आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे, प्रोडक्शन है जो है, सेल्स है, वो सभी फंक्शंस जो है तभी हो पाएंगे जब आप स्टाफिंग करेंगे और लोगों को हायर करेंगे. अगर स्टाफिंग नहीं करते हैं तो काम कौन करेगा, काम तो कोई करेगा ही नहीं. ठीक है, तो स्टाफिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सिक्स पॉइंट इज हेल्प्स इन कंपीटिंग. अब स्टाफिंग जो है लोगों को जॉब देना, ये कंपटीशन में आगे निकलने में कैसे हेल्प करेगा आपको. सपोज आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, ए एंड बी. एक ऑर्गेनाइजेशन और जो बी ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. यानी पैसे की दोनों में कोई कमी नहीं है, फिजिकल रिसोर्सेज जैसे मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ, इवन आपकी ह्यूमन पावर जो होती है, मैन पावर जो होती है, वो सब भी इक्वल है, सब कुछ, हर चीज इक्वल है. ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में. बट ऑर्गेनाइजेशन जो ए है उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं बहुत स्किल्ड हैं, आपने उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी है, बहुत अच्छे से उनकी स्किल्स को डेवलप कर रखा है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है. बट जो ऑर्गेनाइजेशन बी है बहुत इनएक्सपीरियंस्ड, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको किसी चीज का कोई नॉलेज नहीं है, प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिला हुआ है. तो इससे क्या होगा, ये वाली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी. ठीक है, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन से ये ऑर्गेनाइजेशन आगे निकल जाएगी. इसका एक रीजन है, क्योंकि आपने स्टाफिंग फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, आपने राइट इंडिविजुअल को, राइट लोगों को राइट जॉब दी है. ठीक है, उनके पास राइट क्वालिफिकेशन है, प्रॉपर आपने उनको मोटिवेट किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी है. ठीक है,
एफिशिएंट स्टाफ कैन विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स इजिली। एफिशिएंट स्टाफ जो होता है वो आपको बहुत हेल्प करता है अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने में, उनसे जीतने में। तो इसके लिए क्या किया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनकी स्किल्स डेवलप की जानी चाहिए ट्रेनिंग देकर, उनको प्रॉपर मोटिवेट किया जाना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत आगे निकल जाए। सेवेंथ पॉइंट है, दिस इज द लास्ट वन, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल ऑफ एम्प्लॉयज। अब स्टाफिंग जो है वो एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे देता है, मोराल उनका कैसे बढ़ाता है, वो भी स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, ट्रेनिंग देते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं, प्रमोशन करते हैं उनका एम्प्लॉयज का, उनको टाइमली मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है, उनको गुड वर्किंग कंडीशंस देते हैं, ठीक है। इन सब चीजों से जो है एम्प्लॉयज जो होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है, अपना बेस्ट देता है, जिसकी वजह से वो जॉब से अपनी सेटिस्फाइड हो जाता है और उनका मोराल जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितने भी थे एडवांटेजेस से स्टाफिंग के, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।